हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और आप देख रहे हैं स्टडी विद आशीष। सीए एग्जाम्स को पास करना अपने आप में हर बच्चे का सपना होता है जो सीए एग्जाम्स करता है, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है जिसमें एंट्री तो आपकी हो जाएगी लेकिन एग्जिट होगी या नहीं ये बता पाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। और उस एग्जाम को क्लियर करना, उसके बाद उसमें रैंक लेकर के आना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। जब भी रिजल्ट आता है मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे आसपास स्टूडेंट्स हैं जिनकी कुछ ऑल इंडिया रैंक अगर लगी है तो उनसे अगर मैं कांटेक्ट कर पाऊँ तो आप सब तक उनकी आवाज, उनकी बातचीत और वो किस तरीके से तैयारी करते हैं, एक टॉपर स्टूडेंट किस तरीके से चीजों को देखता है, समझता है और काम करता है और अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करता है, उसे समझना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि अपने साथ में जितने भी मेरे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनमें अगर किसी का ऑल इंडिया रैंक आता है तो उनसे उनकी जो बातचीत है, उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो आपके साथ शेयर करूँ। इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रैंक 18 मिताली खंडेलवाल, जिन्होंने सीए फाइनल नवंबर 2020 में 2022 में ये मकाम हासिल किया है। सबसे पहले मिताली, वेलकम एंड मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच सर। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर विद यू। अब हम इस आपको ज्यादा वेट नहीं करवाएंगे और मिताली से आपकी बातचीत करवाएंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार मुझे यहाँ पर देख रहे हैं तो ये मेरा नया चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको मिताली की स्ट्रैटेजी वाकई में अच्छी लगती है, और इसे शेयर बहुत करिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो चाहते हैं जिनका रैंक आए, और अगर आप नॉर्मली क्लियर भी करना चाहते हैं तो भी टॉपर्स की जो स्ट्रैटेजी होती है वो आपकी काफी मदद कर सकती है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे कमेंट जरूर करना है अगर आपको मिताली की स्ट्रैटेजी से कुछ बेनिफिट होता है, तब भी आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि सर हमने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की और हम सीए बन गए। चलिए अब ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते और बातचीत को शुरू करते हैं। मिताली, सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि आपका रिएक्शन क्या था जब आपको पता लगा कि आप सीए बन गई? मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मतलब बिलीव नहीं हुआ पहले तो, कुछ घंटों बाद बिलीव हुआ कि हाँ सच में यार 18 आई है। एंड जस्ट जैसे ही रिजल्ट देखा मैं एकदम शाउट, मतलब एकदम चिल्लाने लग गई कि वाओ मेरा यार 18 आया है। एंड आई वाज चलिए अब ये बताइए आप कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी? मेरा फाउंडेशन में और सीए इंटर में भी रैंक था तो मेरा ड्रीम, मतलब कि इच्छा थी कि मेरी सीए फाइनल में भी रैंक आए। पर हाँ इस बार बिल्कुल उम्मीद, मतलब बिल्कुल श्योर नहीं थी कि मेरी रैंक आएगी। इस बार रैंक नहीं आती, केवल सीए बनती तो उतनी भी उतनी ही खुशी होती है। अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि कोई ऐसा पेपर था जिसमें आपको ये लगा कि ये थोड़ा ऐसा ही गया है, लेकिन जब आपने उसके मार्क्स देखे मार्कशीट में जैसे ही रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट ने, उस मार्क्स ने आपको चौंका दिया, उसके बारे में बताइए। हाँ मेरा SFM का पेपर, बहुत मैं अनसेटिस्फाइड थी खुद से। मैंने 8-10 मार्क्स का पेपर तो छोड़ा था, वो थ्योरी छोड़ा था, तो थ्योरी क्वेश्चन बहुत टफ लगे थे उसके। और उस दिन मेरा मूड भी बहुत अपसेट हो गया था कि SFM का पेपर इतना बेकार गया। बट उसमें मेरे 77 मार्क्स आए, वो देख के आई वॉज रियली सरप्राइज। अच्छा मिताली, वैसे तो आप ये मुझे बता चुकी हैं ऑलरेडी कि आपकी सीए फाउंडेशन में भी रैंक आई थी, इंटरमीडिएट में भी रैंक आई थी और अभी तो रैंक आई है। खैर, तो मेरा अगला सवाल यही था कि आप एक शुरुआत से एक बहुत स्टूडियस बच्ची रही हैं, एवरेज रही हैं या बिलो एवरेज रही हैं, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। मैं स्टूडेंट स्टार्टिंग से ही थोड़ा स्टूडियस थी। हाँ बट पढ़ाटू इतना नहीं, बस मेरे को ये रहता था कि एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने, तो एग्जाम्स के डर से मैं पढ़ लेती। अच्छा, ऑल इंडिया रैंक इतनी सारी लाने के बाद, इतनी सारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमेशा ऑल इंडिया रैंक आई है, उसके अलावा क्या अचीवमेंट्स हैं आपके लाइफ में अभी तक? अभी तक अचीवमेंट इज लाइक स्कूल टाइम में मैं हाउस कैप्टन थी अपने हाउस की, एंड ओके, कबड्डी टीम की कैप्टन रही। एंड उसके अलावा स्कूल्स में जो इंडियन मैथ्स ओलंपियाड होते हैं उसमें गोल्ड मेडल मिला, तो ये कुछ अचीवमेंट्स ही अपार्ट फ्रॉम AIRs। अच्छा, ऑल इंडिया रैंक के अलावा भी अब आप देखिए कैप्टन रहना, लीडरशिप क्वालिटीज को वहां पे इन्होंने शो किया, उसके बाद स्पोर्ट्स में भी इनका जो है योगदान रहा है और उसमें भी मेडल्स लेकर के आई हैं मिताली। पढ़ाई के साथ साथ और चीजों के अंदर भी इन्वॉल्व थी, इसलिए हम भी स्टूडेंट्स को ये हमेशा एडवाइस करते हैं कि जब वो पढ़ाई करें उसके साथ कुछ हॉबीज भी अपनी साथ में रखें,
ताकि जब आप पढ़ाई से फ्रस्ट्रेट हो जाएं तो उनकी तरफ जा करके और अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकें। अगला सवाल मेरा आपसे ये है मिताली कि पढ़ाई करने के अलावा और क्या करती हैं आप? पढ़ाई करने के अलावा मुझे घूमना बहुत पसंद है, मतलब मेरे को टाइम ही टाइम और पैसा पैसा हो तो मैं पूरा वर्ल्ड घूमना चाहूंगी। अच्छा और उसके अलावा मैं कभी कभी आर्टिकल्स लिखती हूँ, और फ्री टाइम में मैं पजल्स वगैरह सॉल्व करना पसंद करती हूँ, एंड मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा तो ये अपने फ्री टाइम में जो है मिताली को करना पसंद है। आपका सीए की प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे ऐसे फेजेस आते हैं जब हम बॉग डाउन हो जाते हैं, जब हम हमें अच्छा नहीं लगता, पढ़ते पढ़ते हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। व्हाट वाज योर बिगेस्ट पावर हाउस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? बिगेस्ट पावर हाउस था, मैं अपने भाई के से, अपनी मम्मी से, अपने फ्रेंड्स से और अपने मैनेजर्स वगैरह से बात करती थी। जब भी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहा है, लग रहा है नहीं होगा, तो मेरे को इन लोगों से बात करने पे ऐसा लगता था कि नहीं मैं कर सकती हूँ ऐसा करके। और मेरे को मेडिटेशन करने पे बहुत सुकून मिलता था, बहुत अच्छा लगता था मेडिटेशन करके, वो सारा जो नेगेटिविटी होती है वो चले जाती है। वेरी नाइस। मैं आप सबको एक और बात बताना चाहता हूं कि मिताली ने अपनी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के साथ साथ जो एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है वो भी मिताली ने करी हुई है, एंड अभी भी मिताली की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चल रही है और उसी दौरान उनका रिजल्ट आया है और वो ऑल इंडिया रैंक के साथ क्लियर करी हैं। तो एक दिन हम मिताली से वापस से बात करेंगे और उनसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या रहता है उसमें सब चीजें। वो भी मिताली से उस पर गाइडेंस लेने की हम कोशिश करेंगे एक दिन और समय निकाल करके। राइट, अब आ जाते हैं मेन स्ट्रैटेजी वाले पार्ट के ऊपर। मिताली, एक एक करके सब्जेक्ट वाइज अपनी स्ट्रैटेजी और बुक लिस्ट अगर आप बताएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रुप वन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो बुक लिस्ट को मैं सब सब्जेक्ट के लिए यही बोलूंगी कि आईसीआई मॉड्यूल और आईसीआई की जो एमटीपीज और आरटीपीज होते हैं वही करना बहुत सफिशियंट है। और उसके अलावा जैसे एफआर हुआ, तो एफआर के लिए मैं बोलूंगी कि हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करके, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सिर्फ देखने से नहीं आता, उसे जब आपका हाथ से सॉल्व करोगे तो वो आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन रहेगा, जो फाइनेंशियल एग्जाम्स में रिपोर्टिंग, हेल्प फाइनेंशियल करता है। रिपोर्टिंग की बात कर रही हैं आप, राइट? फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट? या सर ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं और लंबे वाले, उसे हाथ से ही करने से ही वो एग्जाम में हेल्प करता है, इसी कारण शायद मेरे एग्जाम एफआर में 81 मार्क्स आए। ओके, नाइस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इज व्हाट शी इज टेलिंग। ओके, या एब्सोल्युटली। नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट एंड पेपर के लिए बताइए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारा हाँ नेक्स्ट पेपर जो हमारा होता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेटेड होता है, तो उसमें आप कॉन्सेप्ट्स को समझ के और उससे तो प्रैक्टिकली चीजों को देखकर जब आप उसे रिलेट करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से हेल्प करता है रिटेन में। एंड उसके बाद जो ऑडिट और लॉ थर्ड और फोर्थ पेपर होते हैं, सब स्टूडेंट्स को उन्हीं में डर रहता है, बिकॉज मेन थिंग कि वो याद नहीं हो पाते। ऑडिट में पॉइंट्स इज डिफिकल्ट टू मेमोराइज, बट उसका एक ही सोल्यूशन है कि जितना ज्यादा हो रिवाइज करो, रिवीजन से के थ्रू ही वो याद हो पाए। और लॉ में प्रैक्टिकल वो जैसे कॉन्सेप्ट जो है उसको रियल कंपनीज उसको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, उसको थोड़ा रिलेट करके आप याद कर सकते हो चीजों को। वेरी नाइस। अब ग्रुप टू की हम बात यस करते सर, हैं। ग्रुप वन तो में ग्रुप आपने वन बता का ही दिया, सब्जेक्ट। हाँ ग्रुप वन में आपने चारों सब्जेक्ट के बारे में बताया। ऑडिट और लॉ के लिए मिताली कह रही हैं कि हमें रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए मिताली का कहना है कि हमें क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व जितना करेंगे उतनी प्रैक्टिस बनेगी, कंसेप्ट्स को समझ करके उन्हें रियल वर्ल्ड से रिलेट करके अप्लाई करेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद भी रहेगा और उसमें पकड़ अच्छी बनेगी। सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं मिताली, वन बाय वन सब्जेक्ट वाइज आप लेकर के चलिए। हाँ सेकेंड ग्रुप में जो पहला सब्जेक्ट होता है वो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट होता है, तो उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसको शॉर्ट पॉइंट्स बनाकर याद करना, ताकि जो एग्जाम का 1.5 डेज मिले उसमें अच्छे से रिवीजन हो पाए आपका सारे कॉन्सेप्ट्स का। उसके बाद जो एक हमारा ऑप्शनल पेपर रहता है, ओपन बुक रहता है, मेरे पास वो इकोनॉमिक लॉ था, तो उसमें क्या मतलब एक बार पूरी बुक को पढ़ लिया अच्छे से, उसमें याद नहीं करना होता बेसिकली आपको चीजों को, बस ये देखना है कौन सी चीज कहाँ पर है और उसका एक प्रॉपर इंडेक्स बनाना। और जैसे मैंने रोहित चिप्पर सर का इंडेक्स यूज लिया था, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपको जब एग्जाम में आप बैठोगे और आपको स्टडी केस स्टडी ढूंढनी होती है उस दिन।
और उसके बाद जो सब्जेक्ट है हमारा डायरेक्ट टैक्सेशन, वो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है और 1.5 डेज में करना इज बहुत डिफिकल्ट है उसको पूरा करना। एंड इवन मैंने भी 100% कवर नहीं किया था, बट उसको ये कि जितना हो सके अपना प्रैक्टिस करके और अच्छे कवर करना। और उसके बाद जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन IDT वाला होता है, उसमें आपका कस्टम्स पहले कर लो, क्योंकि कस्टम्स 20 मार्क्स में से 20 स्कोर करने का हो, तो उसके बाद आप GST वाला पार्ट लो, उसमें भी थोड़ा बहुत इंटर का रहता है तो वो हेल्प करता है। ओके इसमें मटेरियल्स आपने बेसिकली आप सजेस्ट करी हैं कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स को हम रेफर करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट? हाँ, इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स बहुत इनफ है, आप केवल उसको पढ़ के भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। देखिए, मैंने आज तक जितने भी टॉपर से बात की है, सभी लोग ज्यादातर फोकस करते हैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स पे, और जो नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल स्टूडेंट है, वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल से दूर भागता है। तो मैं आपको ये हमेशा कहता हूँ, वापस कह रहा हूँ, इनसे भी सुन लिया आपने, राइट? मेरी तो रैंक नहीं लगी थी, देख लिया, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? लेकिन अब रैंकर ऑल इंडिया रैंक 18 जब आपको ये कह रहा है कि मैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ा था, ऑल इंडिया रैंक 1 भी यही कहेगा इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ा था, तो आपको समझनी होगी ये बात कि वो मटेरियल कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक बात बताइए मिताली, ये सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी आपने बताई वन बाय वन, इसमें से सबसे इजी सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता था, जिसको आपको मतलब जिससे प्यार था, मजा आता था जिसको करने में? मुझे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सबसे अच्छा लगता था। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और सबसे हाँ, बोरिंग, हार्ड, डिफिकल्ट वो सब्जेक्ट कौन सा लगता था? एज यूजुअल तो सब बच्चों को लगता है ऑडिट। अच्छा, सब बच्चों को ऑडिट लगता है। अच्छा, ऐसा मतलब इतना मतलब जनरलाइज्ड आपको कैसे पता है कि सब बच्चों को ऑडिट लगता है? जितना मेरे फ्रेंड्स को भी, सबको ऑडिट बहुत ज्यादा टफ लगता था, और ऑडिट का मेरे को फियर इंटर से, ये इंटर में भी मेरे को ऑडिट ही सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट लगता था। अच्छा, सीए का काम मेनली ऑडिट है, और उनको सबसे ज्यादा टफ लगता था ऑडिट, लेकिन उन्होंने जैसे भी मैनेज करके और ऑल इंडिया रैंक लाई। कितने नंबर आए ऑडिट में आपके? ऑडिट में मेरी 66 मार्क्स बताओ, एग्जेम्पशन डाल के बैठे हैं और बोल रहे हैं टफ लगता है। चलिए, कितने घंटे पढ़ाई करती थी मिताली, आप ये बताइए। है। सर, मेरा स्टडी कभी भी टाइम वेस्ट नहीं रहता था। हमेशा टारगेट होता कि आज के दिन ये करना है। सपोज आज के दिन 4 चैप्टर्स किए अच्छे से, तो वो 4 चैप्टर्स करने। अब वो अगर मेरे 10 घंटे में हो जाए, उसके बाद मैं अपना लीजर टाइम एंजॉय करती थी, बट जनरली 13 to 14 hours हर डे हो जाता था लास्ट के 3 महीने। लास्ट के 3 महीने में 13 से 14 घंटे पढ़ाई करती थी मिताली। अच्छा, आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस, वीडियोस, इन सबको बहुत महत्व देते हैं, सेल्फ स्टडी को इतना जो है वेटेज नहीं दे पाते, जो मुझे लगता है देखने में। आपकी क्या राय है इस पे कि क्या ऑनलाइन कोचिंग या कैसी भी ऑफलाइन कोचिंग भी, कैसी भी कोचिंग वीडियोस, इसका और आपकी जो सेल्फ स्टडी होती है उसका क्या हिसाब किताब रहना चाहिए? क्या ये कोचिंग को ही हमें सब कुछ मान करके अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, या ये एक केवल एक हेल्प की तरह उसे लेना चाहिए? क्या कहती हैं आप इसके बारे में? कोचिंग हमेशा सिर्फ हेल्प के लिए होती है। जो मैटर करता है वो सेल्फ स्टडी मैटर करता है। टीचर्स आपको स्पून फीड करके नहीं पढ़ा सकते, वो आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। तो कोचिंग मेरा भी था कि क्लासेस मेरी जनवरी तक ओवर हो गई थी, कि एक बार कोचिंग हेल्प करके कि सब्जेक्ट्स में क्या है वो पता चल जाए, बट उसको लर्न करना या उसको समझना वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। मतलब सेल्फ स्टडी का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, रादर उसका ज्यादा इम्पोर्टेंस है, आप ऐसा कह रही हैं। कोचिंग इज जस्ट यू नो टू टेक यू थ्रू दैट एवरीथिंग व्हाट इज देयर इन द सिलेबस एंड एवरीथिंग, और उसके बाद जो आपको प्रिपरेशन करनी है, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, वो सेल्फ आपको करना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट जो मेरा सवाल है वो ये है कि आपके अलावा आप अपनी इस सफलता का जो क्रेडिट है वो किसको देना चाहती है, अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसके साथ शेयर करना चाहती है अपने अलावा? टू माई मॉम, माई ब्रदर एंड माई मैनेजर। बिकॉज कई बार ऐसा हुआ कि मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, या मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस में हो रही हूँ पढ़ाई के वक्त, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो मैं अपनी मम्मी के पास जाती थी। मेरे को नींद भी नहीं आती थी इवन कई रातों में, तो मेरी मम्मी ने मेरे को सुलाया सुबह 4 बजे के अराउंड। तो मेरी मम्मी का बहुत जगह, और भाई और मेरी जो मैनेजर थी वो मेरे को बिलीव कराते थे कि हाँ मैं कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए, अब ये बताइए, अब आप सीए बन गई हैं, अब आप क्या करेंगी और अगले 10-15 साल में आप अपने आप को कहां पे देखती हैं? अभी तो मेरा प्लान एक इंडस्ट्री में जॉब करने का ही है, और अगले 10-15 सालों में, बस अभी के लिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरा एक खुद का घर हो और एक खुद की अच्छी सी कार हो।
वो तो बहुत जल्दी आ जाएगी आपके पास, चिंता मत करिए उसकी। चलिए अब ये बताइए कि कई बार सीए कोर्स में हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे मल्टीपल टाइम्स फेल होते हैं, उनको आपकी क्या एडवाइस है? सबसे पहले खुद पे भरोसा करो और स्टडी मटेरियल पे फोकस करो और किसी मटेरियल पे मत जाओ। पहले स्टडी मटेरियल कवर करो और कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि 7 दिन पढ़ा फिर 1 दिन आप पार्टी कर रहे हो या 1 दिन आप रेस्ट कर रहे हो। कंसिस्टेंटली आप 3-4 मंथ्स पढ़ लो, उसके बाद जिंदगी में आई गेस मजे ही होंगे। तो हाँ, मैं बस यही कहना चाहूँ। अच्छा, नो पेन नो गेन इज वॉट शी सजेस्टिंग। अच्छा मिताली, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो नए स्टूडेंट सीए कोर्स में आना चाहते हैं, जो सीए फाउंडेशन में हैं अभी या इंटरमीडिएट में भी हैं, वो भी आपके इंटरव्यू को सुनेंगे, आपकी इस बातचीत को सुनेंगे, तो उनके लिए आप क्या एक राय, एक सलाह क्या देना चाहती हैं, जो लोग इस कोर्स में अपना करियर आगे बनाना चाहते हैं, कि एंटर होने से पहले देख लो, अंदर तो आ रहे हो आप लोग, लेकिन इस सब चीजों को ध्यान में रख के अंदर आइएगा, क्या सलाह है आपकी जो लोग सीए करना चाहते हैं? सीए का पासिंग परसेंट जैसे 11-12% ही जा रहा है अभी, तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगी वो देखो। और अगर आप ये हो कि मैं कंसिस्टेंटली डेली पढ़ने की कैपेबिलिटी रखता हूँ तो आप सीए में आओ, वरना सीए में नहीं आना चाहिए। अच्छा, सीए में आकर के कोई सोच रहा है मैं रोज पार्टी करूं, तो मतलब वो वाला सीन नहीं है मतलब आपके हिसाब से, राइट? चलिए, हाँ, मतलब पार्टीज भी कभी कभी करते हैं। आई वॉज ऑल्सो लाइक डूइंग पार्टीज, बट हाँ उसको साइड में रख के, थोड़े फैमिली फंक्शंस वगैरह को साइड में रख के आपको कुछ टाइम के लिए स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा। और कुछ टाइम नहीं होता, वो थोड़ा लंबा टाइम होता है, 3-4 साल के पूरा जो कोर्स है उसके दौरान। तो आप समझ जाइए सर, आप जिस एज में एंटर कर रहे हैं वो आपकी एकदम वैसी वाली एज है जब आपको सब चीजें एक्सप्लोर करनी है, और उसी टाइम पे आपको कोई कह रहा है कि बंद करके बैठ करके पढ़ाई करो, राइट? ट्रेनिंग भी करो, ये सब चीजें करो, राइट? मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ मिताली के बारे में। हमने एक बार अपने चैनल पे ऑल इंडिया सीए स्टूडेंट स्पीच कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया था, एंड मिताली वॉज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दैट कॉम्पिटिशन ऑल्सो। ये मिताली ने बात नहीं बताई आपको, मैं आपको मिताली के बारे में बता रहा हूँ। चलिए अब आप मेरे को बताइए कि अब आपकी जिस दिन मेरिट आई, उसके बाद से आपकी जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आया, व्हाट चेंज्ड आफ्टर मेरिट? यस सर, और चेंज आने के बाद फर्स्ट डे तो एकदम सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा था। बहुत सारे कॉल्स आए, रिलेटिव्स वगैरह के कॉल, फ्रेंड्स वगैरह के कॉल, सब मिलने आए। एंड उस दिन टाइम नहीं था कि सबके मैसेजेस का रिप्लाई कर सके, तो वो बहुत अच्छा दिन था लाइफ का। और उसके बाद अभी तो आगे का यही सोचा है कि हाँ अभी जॉब करनी है इंडस्ट्री में, और थोड़ा अभी फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना, इंडिपेंडेंट बनना है। अच्छा, तो वो एक दिन के बाद फेड आउट हो गया या अभी भी थोड़ा थोड़ा शौक आ रहे धीरे धीरे सेलिब्रिटी वाले? नहीं, अभी भी चल रहा है उधर। अभी सेलिब्रेशन इज गोइंग ऑन, पार्टी अभी बाकी है। चलिए मिताली से अब उनसे कुछ पर्सनल लेवल पे भी उनसे बातचीत करते हैं। आपकी फेवरेट मूवी के बारे में हम जानना चाहते हैं, आपके फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियन, गाना कौन सा पसंद है आपको, और किताब, ये बताइए आप। सबसे पहले मूवी। फेवरेट मूवी जिंदगी ना मिले दोबारा। उसमें जो एक्टिविटीज होती है, पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग, वो मैंने अभी तक करी नहीं, मुझे करनी है लाइफ में। ओके, एंड वो मूवी अच्छी है कि अपने फियर्स को छोड़ के आगे बढ़ने वाली जो इंस्पिरेशन है। और एक्टर? एक्टर आई लाइक कार्तिक आर्यन। एक्ट्रेस? एक्ट्रेस के लिए नॉट स्पेसिफिकली, बट या कैटरीना कैफ लुक्स ओके, कूल पॉलिटिशियन टू मी। नरेंद्र मोदी, उनका नरेंद्र? जो लीडरशिप स्टाइल्स है या उनका जो वे है चीजों को हैंडल करने का, लोगों से अपनी बात मन मानने का, तो वो मुझे मतलब बहुत इंस्पायर करता गाना कौन सा पसंद है आपको सबसे? है। गाना मुझे है जुनून फ्रॉम फिल्म न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क फिल्म का है जुनून गाना। किताब, किताबें हाँ पढ़ती हैं आप, किताब कौन सी आपको पसंद है? नहीं, मैं बुक से पढ़ती हूँ, उसके अलावा कोई ऐसे किताब नहीं, पढ़ने कोर्स का की किताब, ऐसे शौक नहीं है। मिताली कह रही है मैं केवल कोर्स की किताबें पढ़ती हूँ, ठीक है? चलिए, इनकी फेवरेट बुक है स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीएआई, राइट? चलते चलते मिताली अपना फेवरेट कोट हमें बताइए। हाँ, मेरा फेवरेट कोड है डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। बस अपना बेस्ट करो और बाकी सब जो छोड़ आप दो। अपना बेस्ट, हाँ ओके,
जो आप अपना बेस्ट जो आप कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट हो, बाकी सब छोड़ दो। बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, आपका जरूर कुछ ना कुछ बेस्ट हो जाएगा उसके बाद। चलिए मिताली, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके, एंड आई होप कि आप सबको भी बहुत सारी इंसाइट्स मिली होंगी कि टॉपर्स किस तरीके से चीजों को स्ट्रेटेजाइज करते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और वो किस तरीके की लाइफ जीते हैं। थोड़े दिन के लिए दूसरों दूर से देखने में थोड़ी बोरिंग लग सकती है, लेकिन जो रिजल्ट आता है वो इसी तरीके से सेलिब्रिटी की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। मैं भी हमेशा अपने स्टूडेंट से एक ही बात कहता हूँ कि आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं सर, और आप मेहनत करेंगे, जैसा कि मिताली ने कहा कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। आप लोग मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो जरूर जिंदगी में आपके लिए बहुत सारे नए नए मौके जो है आपका इंतजार कर रहे हैं, एंड यू विल अचीव ग्रेट हाइट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे। वंस अगेन मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू मिताली, इंजॉय योर लाइफ, मे गॉड ब्लेस यू, एंड यू अचीव ग्रेट एंड न्यू हाइट्स इन डेज एंड ईयर्स टू कम। दैट इज वॉट इज माई विश टू यू। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड यू नो टॉकिंग टू दी स्टूडेंट्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू वंस थैंक अगेन। यू सो मच सर। ओके, थैंक यू।